हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में मैं रजा आप सबको नेपाल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक बात जानकारी कराएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखें और समझें। नेपाल एक बेहद ही खूबसूरत देश है जहाँ भारत के लोग बिना किसी वीजा पासपोर्ट के जा सकते हैं। अक्सर लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए नेपाल जाते हैं जो कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। साथ ही नेपाल कई प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों का घर भी है। इतना ही नहीं, नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी है और यहाँ कई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है जिन्हें देखने का अपना ही एक अलग मजा है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम फैक्ट्स अबाउट नेपाल इन हिंदी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेपाल के बारे में यहाँ छोटा सा स्क्रिप्ट है जो नेपाली में है, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। जैसे कि नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक और बहुत सांस्कृतिक राज्य है जिसका आधिकारिक भाषा नेपाली है। नेपाल का प्रमुख शहर और राजधानी काठमांडू है। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल। आइए इसके बारे में जानते हैं। नेपाल फैक्ट्स इन हिंदी। जानिए नेपाल के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य जो इस प्रकार इस वीडियो में आपको हम समझाने वाले हैं कि नेपाल में सबसे फेमस क्या है, नेपाल इतना प्रसिद्ध क्यों है, नेपाल में सबसे फेमस मंदिर कौन सा है, नेपाल का राष्ट्रीय भोजन क्या है, नेपाल प्रसिद्ध क्यों है और नेपाल का प्रसिद्ध भोजन क्या है। ये सब जानकारी जानने के लिए आपको हमारे साथ पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो शुरू करें नेपाल के आश्चर्यजनक बात। नेपाल कितने साल पुराना देश है? प्रागैतिहासिक काल संभव तिब्बती बर्मीज मूल के लोग नेपाल में 25 से वर्ष पहले आ चुके थे। इसी तरह से नेपाल के बारे में इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो से पूरा देखते रहे और हमारे साथ जुड़े रहे। नेपाल में कितने राज्य हैं? 20 सितंबर 2015 के अनुसार नेपाल को भारतीय राज्य प्रणाली की तरह ही 7 राज्यों प्रदेशों में विभाजित किया गया था। संविधान की धारा 295 ख के अनुसार प्रदेशों का नामकरण संबंधित प्रदेश के संसद विधानसभा में 2/3 बहुमत से होने का प्रावधान है। ये आप समझ रहे हैं नेपाल में कितने राज्य हैं। नेपाल 7 राज्य और 77 जिलों तथा 753 स्थानीय इकाइयों में विभाजित है, जिसमें 6 महानगर, 11 उप महानगर, 246 नगर परिषद और 481 गाँव शामिल है। इसकी आबादी 26.4 मिलियन है और क्षेत्रफल के हिसाब से 93वां सबसे बड़ा देश है। इसी तरह से यहाँ नेपाल के बारे में और भी आश्चर्यजनक बातें हैं जो आप इस वीडियो में आगे बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाले हैं। नेपाल की भाषा और मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाल की 1.60 रुपया और इंडिया की 1 रुपया बराबर होता है, यानी कि इंडिया का 1 रुपया नेपाल का 1 रुपया 60 पैसा होगा। नेपाल में 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50, 100, 500 और 1000 रुपया का नोट मिलता है। नेपाल में इंडिया का रुपया एक्सेप्ट करता है, यानी कि नेपाल में इंडियन रुपया भी चलता है, इंडियन करेंसी भी चलता है। इसी तरह नेपाल की भाषा और मुद्रा आप समझ चुके हैं। आप समझते हैं नेपाल में क्या फेमस है। नेपाल एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे देखना तो अद्वितीय है। पोखरा, काठमांडू, सागरकोट, भक्तपुर, सगरमाथा नेशनल पार्क, चितवन नेशनल पार्क, जनकपुर, लुम्बिनी आदि कई जगहें हैं जहां आपको हिमालय के दर्शन के साथ ही झील, सरोवर और जंगल के दर्शन भी होंगे। तो ये है नेपाल में फेमस जगह जो आपको जानकारी हासिल हो चुका है। नेपाल का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? इम्पियन मोनाल, जिसे डाफे कहते हैं, जिसे हिमालयन मोनाल के रूप में भी जाना जाता है, और इम्पियन तितर नेपाल का राष्ट्रीय पंछी है। इसी तरह से यहाँ वीडियो में समझते हैं नेपाल का प्रसिद्ध भोजन क्या है। दाल भात राष्ट्रीय व्यंजन, दाल भात या दाल भात नेपाल का सर्वोत्कृष्ट भोजन है और देश के व्यंजनों की रीढ़ है। इसमें उबले हुए चावल होते हैं जिन्हें दाल के सूप के साथ परोसा जाता है और साथ में
कई तरह के साइड डिश भी परोसे जाते हैं। तो ये था नेपाल का प्रसिद्ध भोजन जिसके बारे में अभी आप जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसी तरह से आज के इस वीडियो में नेपाल के आश्चर्यजनक बातों में समझते हैं नेपाल की सबसे प्रसिद्ध चीज़ क्या है। काठमांडू नेपाल की राजधानी काठमांडू से सफ़र की शुरुआत करें। इस शहर में पूरे साल ठंडी रहती है। शंभुनाथ मंदिर काठमांडू शहर के पास ही शंभुनाथ मंदिर स्थित है। इसी तरह से नेपाल का पोखरा भी बहुत खूबसूरत शहर है, जहाँ खेवा झील पोखरा में है। देवी फॉल पोखरा नेपाल के पोखरा में मनमोहक जगह है। इस तरह से यहाँ नेपाल की सबसे प्रसिद्ध चीज़ों के बारे में आप जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसी तरह से समझते हैं नेपाल का राष्ट्रीय एनिमल कौन सा है, यानी कि नेपाल का राष्ट्रीय जानवर क्या है। दरअसल नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है, जिसमें हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानकर माता का स्थान दिया गया है। ये है नेपाल का राष्ट्रीय जानवर जिसके बारे में आपको जानकारी हासिल हो चुका है। नेपाल का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, इसका गहरा लाल रंग देश के राष्ट्रीय फूल रेडोडेंड्रोन है, जिसको नेपाली में लाली गुरास कहा जाता है। नेपाल का मुख्य व्यवसाय कौन सा है, नेपाल की 1 करोड़ जीतने का कार्यबल में दक्ष कामदार कमी है। 81% कार्यबल को कृषि और 16% सेवा और 3% उत्पादन कला आधारित उद्योग रोजगार प्रदान करता है। इस तरह से यहाँ अभी आप समझ रहे हैं नेपाल के व्यवसाय के बारे में। अभी जैसे ही आप समझ सकते हैं, यहाँ नेपाल भारत युद्ध भी एक समय था जो हुआ था, वो कब हुआ था। गोरखा युद्ध 1816 में ब्रिटिश भारतीय सरकार और नेपाल के बीच हुआ। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य का प्रसार नेपाल की तरफ से होने लगा था, जबकि नेपाल अपने राज्य का विस्तार उत्तर की ओर चीन होने के कारण नहीं कर सका था। ये था नेपाल के बारे में बहुत ही शानदार जानकारियाँ जो आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं रजा आप तक शेयर कर चुका हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।